क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली इनकम 50 रुपये थी? इस बात में कितनी सच्चाई है कि शाहरुख खान अपने स्ट्रगलिंग डेज में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया करते थे। आज के इस एपिसोड में मैं अनिमेश आपको बताने वाला हूँ शाहरुख खान से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। शाहरुख खान की डेब्यू मूवी दीवाना थी, ये हम सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी पहली फिल्मों में अपीयरेंस 1989 की मूवी इन विच एनी गिव्स इट दोज वन से हुई थी। शाहरुख खान ने इस मूवी में कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया था और बस कुछ ही सीन्स में वे नजर आए थे। चलिए कुछ बातें उनके बचपन की भी हो जाए। शाहरुख खान के पैदा होने पर उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, पर जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनके फादर ने नाम को बदलकर शाहरुख रख दिया। ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि शाहरुख खान की बहन का नाम लाला रुख है और वे उनसे मिलता जुलता नाम अपने बेटे को देना चाहते थे। शाहरुख खान की मूवी कभी हाँ कभी ना उनके लिए बहुत ही स्पेशल मूवी थी। शाहरुख खान को इस मूवी की स्टोरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपये एक्टिंग फीस चार्ज की और कहा कि मेरे बाकी के पैसे मूवी के बजट में लगा दो। हर इंसान का एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, शाहरुख खान का भी था। अपने स्ट्रगलिंग डेज में शाहरुख खान ने बहुत तरह के काम किए थे। उनमें से एक था पंकज उदास का कॉन्सर्ट, जहां पर शाहरुख खान एक हेल्पिंग स्टाफ का काम किया करते थे। उनकी ड्यूटी थी लोगों से पास कलेक्ट करना और उनको उनके सही सीट पर बैठाना। इस काम के लिए शाहरुख खान को 50 रुपये मिलते थे, जो हम कह सकते हैं उनकी पहली कमाई थी। शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान को ओरल कैंसर था, जिसकी वजह से 1981 में उनका देहांत हो गया। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैंसर की वजह से उनके फादर ने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया था, तो उस समय शाहरुख उनसे इशारों में बातें किया करते थे। शाहरुख उस वक्त सिर्फ 14 साल के थे। SRK अपने टीवी करियर से बहुत खुश थे, पर 1990 में जब उनकी अम्मी का देहांत हुआ तो शाहरुख खान ने डिसाइड किया कि वे अब मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और मूवीज में ट्राई करना शुरू करेंगे। फिर मुंबई में वो वक्त आया जब मरीन ड्राइव में बैठकर अपने दोस्तों से उन्होंने कहा, मैं एक दिन इस शहर को राज करूंगा। चाहे इस बात को उस वक्त में लोगों ने मजाक में लिया था, पर आने वाले सालों में शाहरुख खान की ये बात सच होने वाली थी। बात करें शाहरुख खान के लाइफ की एक आइकॉनिक इंसिडेंट की, जहां शाहरुख खान ने रेलवे स्टेशन पे रात बिताई थी। इसकी वजह उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड गौरी थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हुआ यूं था कि गौरी अपने फैमिली के पास मुंबई चली गई थी। शाहरुख उन्हें ढूंढते हुए मुंबई पहुंच गए। वे अपने साथ जो भी पैसे लेकर गए थे उन्होंने एक दो दिनों में अपने दोस्तों के साथ खर्च कर दिए। फिर उस रात शाहरुख के पास किसी होटल या लॉज में रहने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें एक रात रेलवे स्टेशन पर बितानी पड़ी। दोस्तों, इस खबर को न्यूज में हमेशा तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है कि शाहरुख खान ने स्ट्रगलिंग डेज में रेलवे स्टेशन पर रात बिताई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सी यू नेक्स्ट वीक।